नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नया महीना शुरू करते हैं नई उम्मीदों के साथ। आज 1 मई है। सबसे पहले बात करते हैं 1 मई के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि ILD के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे की जो शुरुआत हुई थी भारत में कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। याद रखना कि भारत में पहली बार 1 मई 1923 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था और इसका जो पहला आयोजन हुआ था वो मद्रास में किया गया था। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें वैश्विक रूप से, तो ये जो पहली बार आयोजित हुआ था वो 1889 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड स्टेट में। देखिए, बात 1886 की है। 1886 में अमेरिका में मजदूरों के काम करने का जो समय होता था वो 15 घंटे हुआ करता था। मजदूर इसे घटाकर 8 घंटे करने की मांग कर रहे थे। 1 मई 1886 में मजदूरों ने इसके लिए स्ट्राइक किया था, एक हड़ताल किया था। हड़ताल में अमेरिकी पुलिस और मजदूरों के बीच टकराव हुआ। उसमें 100 से अधिक मजदूर जो थे वो घायल हुए या तो मारे गए। इसके बाद फिर 1889 में पहली बार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया गया। एग्ज़ाम में 2 बातें पूछी जाती हैं, शुरुआत भारत में कब से हुई, 1923 में हुआ था, और थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, थीम पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो 2020 की जो थीम थी वो थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क बेस। तो थीम जो है वो आप ज़रूर याद रखा करो। 2020 की थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2021 की थीम क्या है, तो 2021 की थीम की घोषणा अभी ड्यू टू पेंडेमिक COVID-19 अभी घोषित नहीं किया गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। पहला क्वेश्चन लेते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं COVID-19 2020 की तुलना में 2021 में अधिक घातक हो गया है। कई बड़ी और मशहूर हस्तियों ने भी अपनी जान इस बीमारी के चलते 2021 में गंवा दी है। तो यहाँ पर एक नाम और जुड़ गया है, बहुत ही दुख भरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी पढ़ना पड़ेगा। हाल ही में किस जाने माने न्यूज़ एंकर का कोरोना से निधन हो गया? सही आंसर इसका है, आप जानते ही हैं, ऑप्शन बी, रोहित सरदाना। और लंबे समय तक वो TV मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना। इन दिनों आज तक जो न्यूज़ चैनल है उस पर एक कार्यक्रम आता था दंगल, उसकी एंकरिंग करते थे। इसके पहले वो जी न्यूज़ पर थे, ताल ठोक के कार्यक्रम की एंकरिंग करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। ऐसे कई सारे बहुत ही बड़े बड़े जो है पत्रकार, राजनेता और तमाम बड़ी हस्तियों ने अपने जो प्राण इस बीमारी के चलते गंवा दिए हैं। बहुत ही दुख की बात है, प्रभु इन आत्माओं को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को इसी जो विपदा है उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही सावधान रहें और हमेशा जो है मास्क लगाएं और बिल्कुल भी घर से बिना वजह बिल्कुल ना निकलें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेल्फ ड्राइव कारों को सड़कों पर इस्तेमाल की इजाज़त देने वाला पहला देश कौन सा बना है? सेल्फ ड्राइव समझ रहे हैं, ऐसी कारें होंगी जो मतलब उसको ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं बैठेगा, वो अपने आप को खुद चलाएंगी। तो ऐसी कारें जो हैं वो पहली बार ब्रिटेन ने चलने की अनुमति दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सेल्फ ड्राइव कारों से दुर्घटनाएँ कम होंगी, इसमें जो सेंसर्स होंगे वो बहुत ही तरीके से काम करेंगे। UK के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन होगा, 5वीं पीढ़ी की Python 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, जिसको आप DRDO कहते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, आप जानते हैं मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। ये इतनी बातें आप बिल्कुल याद रखेंगे। और एक बात और याद रखना कि सिंधु नेत्र नामक जो उपग्रह है
इसका विकास भी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में जगह दी गई है? बायजू और जियो प्लेटफॉर्म दोनों को ही जगह मिली है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे माऊ डॉल्फिन की प्रजाति कहां पाई जाती है? अब ये जो प्रजाति है ये खतरे में है, और ये जो प्रजाति है ये न्यूजीलैंड में वर्तमान में पाई जाती है। इनकी संख्या मात्र अब 63 बची है, ओनली 63। ठीक है, तो इनको संरक्षित किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है। याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी जीव है, कोई भी पेड़ पौधा है, वो क्रमशः एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट जरूर डालता है। अगर कोई एक प्रजाति नष्ट हो रही है, निश्चित रूप से इसका यही मतलब है कि इसका कोई न कोई दुष्प्रभाव हम पर भी आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। माऊ डॉल्फिन दुनिया में सबसे दुर्लभ और छोटी डॉल्फिन उप प्रजातियों में से एक है। यह केवल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पश्चिमी तट से थोड़ा दूरी पर इसे पाया जाता है। वर्तमान अनुमान के अनुसार इन डॉल्फिनों में से केवल 63 एक वर्ष से अधिक आयु की हैं। इस प्रकार माऊ डॉल्फिन के विलुप्त होने की उच्च संभावना है। इस पृष्ठभूमि में न्यूजीलैंड सरकार ने एक ऐसी परियोजना के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है जो इन डॉल्फिनों को समझने और उनकी रक्षा करने के लिए ड्रोन का उपयोग करती है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, और इसकी थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट। ये जरूर याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो 2000 के बाद से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी थीम है 2021 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स नामक केंद्र की स्थापना की है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, तो इसकी स्थापना की गई है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल सही है। और APCL और निष्पादन एजेंसी NIEDO के सहयोग से भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर लद्दाखी युवाओं को व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए ये जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की। मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर अवस्थित है? आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, और यहाँ पर जो सही जवाब है वो था ऑप्शन डी यानी कि पंढरपुर। तो यहाँ पर सूरज प्रजापति जी ने बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग की है हमेशा की तरह। बरकरी संप्रदाय का उदय दक्षिण भारत में 13वीं शताब्दी में हुआ, जिसकी मुख्य पीठ पंढरपुर में स्थित है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर स्वामी जी थे। इस संप्रदाय के मुख्य देवता विट्ठल स्वामी हैं, वही विट्ठल स्वामी जिन्हें आप भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक भी मानते हो। बरकरी संप्रदाय के मुख्य संतों में तुकार राम, एकनाथ और इस मत के लोग ब्रह्मा को निर्गुण ब्रह्म के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर जो संप्रदाय था वो चैतन्य संप्रदाय, स्वरूप संप्रदाय, आनंद संप्रदाय और प्रकाश संप्रदाय अनेक उप विभागों में ये विभाजित हो गया था। बहुत बढ़िया, अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यहाँ पर हैं आपके ऑप्शन, और डिटेल में अगर आप इसे उत्तर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडी विज्ञान पर भी आ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विज्ञान प्रकाश।